हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सारा बेस्ट व्लॉग। तो भाई काफ़ी टाइम बाद हमने व्लॉग नहीं बनाया, काफ़ी टाइम हो गए थे। तो आज व्लॉग बनाने हैं, मैं हैं और ऋषि है, और हम बताओ किस पर आए भाई। इस पर आया सही में, बिल्कुल हाईवे पे चढ़ चढ़ के आया, तो काफ़ी डर लग रहा था। हैं हाँ, और सही नहीं आ रहा हूँ। अभी अंदर चल के मिलते हैं आपसे, अंदर चलो। कहाँ आए हूँ मैं बता दूँ गाइस। अभी हमारे अंदर प्रस्थ पार्क एरा, अभी अंदर चलते हैं। देखो बाहर से भी कुछ ऐसा है, अंदर चल के आपको टिकट प्राइस वगैरह सब बताते हैं। तो अंदर चलो पहले। ये है कुछ अंदर का व्यू, अरे काफ़ी बड़ा भाई, वहाँ से एंड तक है, ज़्यादा ही बड़ा है कुछ। ये देखो इस पे मैप पे लिख रखा है इतने एकड़ में है, मतलब ये सब। और अभी हम जाएंगे ना वहाँ पे सामने, वो दिखाएंगे आपको, वहाँ पे जाके वो चीज़ बताएंगे, क्या इन्फॉर्मेशन देंगे। अरे यार झंडा, अरे इसी देखो भाई, ये ब्लॉग बना रहा है। ये नहीं है ये रहा। चलो भाई चलो, तो गाइज वहीं पे चलते हैं, अभी वहाँ पे चल के मिलते हैं, वहाँ पे चल के बात करेंगे। और रही बात टिकट की गाइज, ये बिल्कुल एकदम फ्री है। अगर आप पार्किंग से आते हो ना, पार्किंग वगैरह आपके पास गाड़ी वाड़ी, तो 20 रुपये की पर घंटे की पर्ची कटेगी बस आपकी, और कुछ नहीं है। अभी हम काफी पास आ गए, तो अभी अब दिखा दे आपको रियल बचपन की यादें आ रही है। और बगल में झूला लगा है, झूल के आते थोड़ा ना, बच्चों के लिए भी है गाइस। गाइस मैं बता दूं, अभी जो हम आपको दिखाएंगे ना, ये मतलब शिमला में बना रखा है इसका कॉपी, और एक हमारे दिल्ली में भी है, तो हम यहीं पे देख के खुश हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे नहीं जा सकते हम, इसलिए डुप्लीकेट है। और काफी अच्छा बना रखा है, देखो मैं स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ। स्टार्टिंग में देखो गाइस, यहाँ पे दीवार है और यहाँ पे मतलब मूर्ति, क्या कलाकृति की हुई है, देखो काफी अच्छा डिजाइन है। अब जो सामने का व्यू देखो, ये देखो भाई क्या व्यू है, अच्छा। हाँ अंदर जा सकते हैं, हम अंदर चलेंगे। अभी हमने खामा पुलिस की बात से ना 20 रुपये की पर्ची और कटवा ली, पार्किंग की पर्ची एक घंटे के 20 रुपये। मैंने यार हम पे तो बाज है यार, इनको अकल वकल है ही नहीं, बताओ रोड पे कहीं लगा देंगे तो कोई उठा के ले जाएगा क्या। मैं गरीब हूँ तकड़ी, हमारे पास लैम्बो भी नहीं है, कहीं पे पार्क कर दो। चल चल गरीब चल चल। गाइस यहाँ का व्यू देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से, पहाड़ों से बना हुआ है ये सेम ना, बिल्कुल इससे भी काफी बड़ा शिमला में बुद्धिस्ट जी का बना रखा है, इसलिए बना रखा है क्योंकि भगवान को जो। और देखो यहाँ पे लिख भी रखा है, मतलब कि शूज पहले उतार ले, और यहाँ पे दो शेर है। गाइस आप यहाँ पे घूमने आ सकते हो, काफी अच्छा, मतलब बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे। और इस जिस टाइम अभी हम आए ना, इस टाइम तो अभी दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा, क्योंकि देखो पूरे में खाली है। ये देखो घोंसला आइसक्रीम, क्या घोंसला आइसक्रीम, कोई नहीं चलो। अरे तेरी भला हो। अरे गाइस ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते हैं, मतलब यहाँ पे ना पहले कब जूते वूते उतार लेते हैं, जूते यहाँ पे उतारने हैं जूते। वो फुग्गे पाम पाम फुग्गे पाम फुग्गे भाई पाम फुग्गे माँ के साथ ऊपर चढ़ेगा और फुग जाएंगे। तो गाइस ये तो ज्यादा ही गर्म हो गया। गाइस अगर यहाँ हो ना तो धूप में मत आना, यहाँ तो बहुत ही बुरा सीन है, पैर जलते बहुत ज्यादा, और चप्पल भी उतारनी पड़ेगी कैसे ना कैसे करके उतारनी है। से देखो पीछे देखो भाई हम आ गए, ऊपर वाला तो बीट है। ये देखो इस पीछे का व्यू देखो। यहाँ के चैन मिला क्योंकि यहाँ पे वो नहीं है ना, धूप वहीं तक ही आ रही है, तो अभी हम यहाँ पे आ गए, मतलब यहाँ पे चक्कर लगा रहे देखते हैं। और भाई है काफ़ी बड़ा, मतलब आप ना यहाँ पे अपनी फैमिली को लेकर आ सकते हो, यहाँ पे पूरा टूर करा सकते हो, क्योंकि ये जगह है दिखाने लायक है, और ज्ञान के लिए भी काफ़ी चीज़ों के लिए गाइस ये जगह मानी जाती है, जो कि बच्चे आते हैं दूर दूर से पिकनिक पे भी आते हैं, स्कूल के जो बच्चे आते हैं ना वो भी यहीं पर लेकर आते हैं टीचरों ने, ताकि कुछ सीखने को मिले उन्हें। और इस समय धूप इतनी ज़्यादा हो रही है, आग भी नहीं खुल रही मेरी। और एक ये भी बना रखा है देखो, पर ये लेकिन बंद है अभी। क्या ये? ये भी वही मंदिर जैसा है, हम पिछली बार आए थे ना, पिछली बार भी बंद था, अभी भी बंद है। वहाँ पे देखो नो एंट्री लिखे, गार्ड अंकल भी बैठे हैं। और अंदर जाके अभी हम आपको बहुत ही अच्छा चीज दिखाएंगे। अंदर नहीं जा सकते? अंदर नहीं जा सकते। और अंदर क्या जाएगा तो इसके अंदर। अब देखो गाइस पहाड़ दिखा दो मैं, दिल्ली में जो नकली बना रखे है वो देखो सामने, ब्रिज वगैरह भी बना रखा है। गाइस आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, पहले यहाँ पे जाना अलाउड था, पर लोग क्या करते हैं यहाँ पे
जो खूबसूरती होती है ना पार्क की, फैलाते हैं अशांति जो लोग होते हैं ना गाइस, वो क्या करते हैं, यहाँ पे छेड़खानी ज्यादा करते हैं, तो एक चीज है ना मेहनत से बनाते हैं, तो फिर वो टूटते तो अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए बंद ही कर दिया हमेशा के लिए। अंदर जाने पे और भी मजा आता है क्योंकि यहाँ पे जो भगवान बुद्ध है और ये यहाँ पे शांति का प्रतीक है अंदर, जो मुझे लगता है जैसे कि आपका लोटस टेम्पल में दिखाया गया है उसी तरह से अंदर भी शांति सा होगा कुछ, जो आराम से बैठ के हम शांति अपने मन को रिलैक्स कर सकते हैं, ऐसा ही होगा ना कुछ। ये पीछे का व्यू देखो, तो क्या व्यू आ रहा है, ये देखो गाइस क्या भाभी, तो चल रहे यार अभी ना, हमारी स्टार्टिंग है ये पार्क की, आग तो बिल्कुल भी नहीं खुल रही, फुगे फुगे भाई, तभी तो कहूंगा यहाँ कोई दिख क्यों नहीं रहा ऊपर, नहीं तो उस समय आए थे शाम के टाइम तो काफी भीड़ थी, इस समय देख रहे तो कोई दिख ही नहीं रहा, क्यों पैर फूक जाते हैं बहुत बुरे। यहाँ के गाइस घास भी है ना, वो देखो कितनी अच्छी से कट कर रखी है, ताकि कोई आए तो पहले ही बोले हाँ भाई ये हमारा इंडिया है और इस इंडिया की खूबसूरती यही है, और ये चीज हमारे इंडिया में ही हो सकता है सिर्फ, ओनली फॉर। ये देखो भाई आर्टिफिशियल है सारे पत्थर वत्थर, क्या कितना अच्छा बना रखा है, यहाँ भी जाते पर यहाँ पे जाने बिल्कुल मना कर दिया क्योंकि यहाँ लोग छेड़खानी करते हैं ना इसकी। अब एक सिनेमैटिक शॉट लेते हैं, वो आपको हम दिखाते हैं, वो एंजॉय करो सिनेमैटिक शॉट। गाइस अंदर इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि गेट पहली बात तो इसमें है ही नहीं, और देखो धूप काफी हो रही है, और मैं बता देता हूँ कि जो भी लोग आएगा वो बाहर से ही देख ले, और ये देखो कितना वाइट, मतलब वाइट है देखो, जैसे कि आप देख सकते हो कितना वाइट कलर में, और अभी हम जो टाइम आया है ना, हम 5 बजे के करीब आए हैं, जो कि भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, क्यों होगी क्योंकि इतना धूप है यहाँ पे, अगर आप कभी भी आओ ना तो 6 बजे के बाद ही आना, ये खुला रहता है 8-9 बजे तक शायद मेरे हिसाब से, ये हमने पूछा नहीं। और हमारे पीछे ना बच्चों के लिए झूला है, जो बच्चे होते हैं वो झूला झूलते हैं इसके पीछे, तो अब यहाँ का अब मैंने आपको सिनेमैटिक शॉट भी दिखा दिया, मैं ये दिखा दूँ कि यहाँ पे कितना बड़ा एरिया है, तो चलो वो दिखा दो गाइस। पीछे का तो हमने जितने हम पे इन्फॉर्मेशन हो सकी हमने आपको बताई, अब हम चलते इन्फॉर्मेशन बोलना तो सीख, अब वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे आपको दिखाते हैं कितना बड़ा पार्क है। नेताजी आ रखे हैं हमारे मजाक कर रहा है, आगे चल के आपको दिखाते हैं वहाँ पे, चलो गाइस। ऐसे तो ये पता नहीं कितना बड़ा है, बहुत दूर तक जा रहा है पार्क, पर क्या करें इतने आगे भी तो नहीं जा सकते अब हम, बाकी देख लो व्यू पार्क का, ये है काफी बड़ा, 70 एकड़ में फैला है, 70 एकड़ में। 70 एकड़ कभी देखे भी हो? 70 एकड़ हाँ देख तो लिया अभी, तूने देखा कभी चावल? जी ना। तो गाइस अब हम फाइनली घर पे जा रहे हैं, काफी टाइम हो गया हम यहाँ पे आए हुए, तो वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट से सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, काफी पसीना आ गया के लिए, गुड बाय। चावल लाल खिचड़ी खाएंगे, खिचड़ी खिचड़ी, चलो भाई बाय बाय।